पटना जो कि बिहार की राजधानी है, आर्यभट्ट हो या पाणिनी, चाणक्य हो या कालिदास, सभी लोग पटना से ही थे, जिन्हें भारतीय इतिहास में ज्ञान के क्षेत्र में धुरंधर माना जाता है। आपको इस शहर में आने के बाद धर्म और संस्कृति का मिलाजुला रूप देखने को मिलेगा। भारत की असल छाप देखनी है तो पटना की सैर करना आवश्यक है। पटना की स्थापना 490 ईसा पूर्व मगध के राजा ने की थी। प्राचीन समय में पटना को पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐसा ऐतिहासिक शहर है जो आज तक संपन्नता से आबाद है। सिखों के 10वीं व अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म यहां ही हुआ था पटना शहर में। माना जाता है कि उटराका राजा ने इस शहर को अपनी पत्नी पाटली के लिए जादू से तब बनाया था जब रानी के पुत्र को जन्म दिया था, इसी से इसका नाम पाटलिपुत्र भी रखा गया था।